आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई मुझ जैसे टेक क्रिएटर को ये टेक न्यूजेस और साथ ही साथ में मोबाइल डील्स एंड ऑफर्स मुझे कैसे पता लग जाते हैं, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे गैजेट्स हो चाहे क्लोथिंग हो, इन सब की भी तो शॉपिंग करनी पड़ती है। तो भाई ये सारी चीज़ें मुझे मेरे लॉक स्क्रीन पे ही देखने को मिल जाती है और इसमें मेरी मदद करता है ग्लांस। ग्लांस ने भाई मेरी काफ़ी सारी चीज़ों को ईजी कर दिया है। ना ही सिर्फ ये टेक न्यूजेस मुझे लॉक स्क्रीन पे ही बता देता है बल्कि मैं लॉक स्क्रीन से ही अपनी शॉपिंग भी कर सकता हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन के बारे में, जिसने कि मेरी बहुत ज्यादा मदद करी और आपकी भी कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन कहां मिलता है, तो भाई जैसे ही आप यहां पे फोन का लॉक बटन प्रेस करते हैं तो आपकी वॉलपेपर चेंज हो जाते हैं और काफी अच्छे अच्छे आपको वॉलपेपर स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं। यही है आपका ग्लांस। ग्लांस इंडिया में डेवलप हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े एप्लीकेशन जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लाइकी जैसे एप्लीकेशन को यहां पे डायरेक्टली टक्कर दे रहा है। ग्लांस के डेली एक्टिव यूजर 220 मिलियन से भी ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग को ये पता ही नहीं होता है कि वो ग्लांस ऐप को यूज कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से कैसे यूज करना है। ये एक लॉक स्क्रीन फीचर है जो कि ऑलमोस्ट सारे ही एंड्रॉइड फोन्स जैसे ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी इन सब में ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। अब मैं आपको ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन की खूबसूरती के बारे में बताऊं तो यहां पे लॉक स्क्रीन पे क्या क्या चीजें आपको रिकमेंड की जाए ये सब आप यहां पे सेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जैसे एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, स्पोर्ट्स, न्यूज, नेचर, फिटनेस, फूड, ट्रेवल, फैशन, म्यूजिक, गेम्स और बहुत सारी यहां पे कैटेगरीज होती हैं। तो इन सब में से जो भी आपको पसंद हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वही चीज आपको यहां पे लॉक स्क्रीन पे सजेस्ट करता है। जितना ज्यादा आप ग्लांस को यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लॉक स्क्रीन पे कंटेंट दिखेगा। ग्लांस स्मार्ट लॉक स्क्रीन आपका इंटरेस्ट एंड यूजर बिहेवियर एनालाइज करके आपको पर्सनलाइज कंटेंट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लॉक स्क्रीन पे शो करता है। और यही नहीं गाइस, इसके आप अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज का भी इसमें सपोर्ट है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज हो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस ले पाते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो देखिए मेरे पास जैसे कि एक ये MI का फोन है, ये अभी लॉक स्क्रीन पे है। तो जैसे ही मैं यहां पे राइट स्वाइप करूंगा तो यहां पे डिफरेंट आर्टिकल्स एंड इवन यहां पे वीडियोस भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी वीडियो मुझे देखनी हो या जो आर्टिकल मुझे पढ़ना हो उस पर मैं टैप करूंगा तो यहाँ पे वो वीडियो या फिर आर्टिकल पूरी तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कितना सॉलिड फीचर है, बिना कोई वीडियो एप्लीकेशन को ओपन किए या फिर बिना कोई सर्च इंजन को यहाँ पे ओपन किए आप न्यूज भी पढ़ सकते हैं और वीडियोज भी देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ग्लांस में फीचर्स क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो ग्लांस के ही अंदर आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो करना ये है कि आपको शॉपिंग सेक्शन में जाना है ग्लांस में, वहां पे आपको वाइड कैटेगरीज ऑफ रेंज प्रोडक्ट्स के देखने को मिल जाएंगे। क्लोथिंग से लेके कॉस्मेटिक्स और घर के सामान तक की आपको यहां से खरीद सकते हैं, वो भी बिना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए। और हाँ, ग्लांस के अंदर ही आपको यहां पे बेस्ट डिस्काउंट ऑफर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप अच्छे से अच्छा सामान परचेज कर पाओगे विद द बेस्ट डिस्काउंट। साथ ही साथ में गाइज आप यहां पे अपनी शॉपिंग प्रेफरेंसेस भी यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है या फिर किस टाइप के कपड़े आपको पहनना पसंद है, और फ्यूचर में ग्लांस आपको उसी कैटेगरी से रिलेटेड चीजें आपके लॉक स्क्रीन पर दिखाएगा। इसका मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, लॉक स्क्रीन पे ही आपको वो शॉपिंग के डील्स एंड ऑफर्स या फिर आपकी जो भी पसंदीदा चीजें हैं वो आपको दिख जाएंगी और आप वहीं से डायरेक्टली शॉप कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ में अगर आपको न्यूजेज, आर्टिकल्स और डेली जो है डाइजेस्ट वाली चीजें भी चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको सारी डेली न्यूजेज और जनरल आर्टिकल भी मिलते हैं जिसको आप डायरेक्टली अपने लॉक स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। रोज की न्यूज पढ़ने के लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉक स्क्रीन पे ही सारी डेली न्यूजेज भी देखने को मिल जाती हैं, टॉप न्यूजेज। एंड इवन अगर आपका कोई पसंदीदा या खुद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको टेक से रिलेटेड यहाँ पे या फिर साइंस से रिलेटेड न्यूजेस देखने को मिले, तो वहां पे कैटेगरी में जाकर के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर साइंस से रिलेटेड यहाँ पे न्यूजेस दिखाएगा। और गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, तो आपका स्टोरेज भी काफी ज्यादा बचता है और आपका फोन काफी ज्यादा स्मूथ भी रहता है। ग्लांस में आपको लेटेस्ट न्यूज देखने को मिल जाती है, वो भी रियल टाइम में। कोई भी इंसिडेंट जैसे ही होता है उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे न्यूजेज होती है आपके लॉक स्क्रीन पे वो दिखाने लगेगा। जैसे कि अगर आप क्रिकेट फैन हो तो जो भी लेटेस्ट क्रिकेट मैचेस चल रहे होंगे तो उनके रिलेटेड जो भी न्यूजेज होंगी आपके लॉक स्क्रीन पे ही देखने को मिल जाएंगी, और वो भी कुछ मिनट और सेकंड्स के अंदर, जैसे कि स्कोर वगैरह हो गया वो सब आपको आपके लॉक स्क्रीन पे ही देखने को मिल जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको यहाँ पे गेमिंग में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे 500 से भी ज्यादा गेम्स अवेलेबल हैं,
ग्लांस पे, जिसपे आप खेल करके काफी पैसे भी कमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन टूर्नामेंट वगैरह भी देखना पसंद है, जैसे कि BGMI हो गया या फिर फ्री फायर का, तो वो भी आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हैं। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। और हाँ भाई, अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि MX Talk हो गया, चिंगारी एप्लीकेशन होगी, और भी ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है लॉन्ग टर्म जो है फॉर्मेट वीडियोस के लिए। आप YouTube यूज़ कर लेते हैं, आप जो है Facebook भी यूज़ कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो एंटरटेनमेंट की शॉर्ट वीडियोज़ होती है ना, वो आपको ग्लास पर भी देखने को मिलती है, एंड इवन यहाँ पे लाइव शोज भी देखने को मिलते हैं। तो लॉक स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन को राइट स्वाइप करना है और आपका एंटरटेनमेंट चालू। ग्लास को यूज़ करना इतना ज़्यादा ईजी है कि आप कोई अदर एप्लीकेशन यूज़ कर पाए या फिर ना कर पाए, लेकिन ग्लांस में तो लॉक स्क्रीन पे ही काफी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भाई मेरे यहाँ पे पेरेंट्स भी ग्लांस को बहुत ही आसानी से यूज कर पाते हैं, भले ही वो दूसरी एप्लीकेशन यूज कर पाए या फिर वो नहीं कर पाए, लेकिन ग्लांस बहुत ही आसानी से यूज कर लेते हैं, ही इतना ज्यादा ईजी गाइज। तो गाइज आपने देखा कितना कुछ मिल जाता है ग्लांस में बिना कोई अलग एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए। शॉपिंग हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, गेमिंग हो गया, न्यूजेज हो गई, सभी चीज तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसकी ना बुराई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ग्लांस सेटअप नहीं किया होगा उन्होंने और कुछ भी उनको दिखा रहा होगा, इसी की वजह से उनको एक बार अगर सेटअप करना उनको आ जाए ना, तो डेफिनेटली उनको भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। मेरे तो काफी ज्यादा काम का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये भारत का एप्लीकेशन है जो कि दूसरे कंट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, चाहे आप मेक्सिको की बात कर ले, चाहे आप इंडोनेशिया, मतलब ये सारी कंट्रीज में भाई इस्तेमाल होता है। और तो डेफिनेटली यार वी शुड एक्चुअली सपोर्ट इट, और थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप सेटअप कर लेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगी, काफी यूजफुल हो सकती है आपके लिए। तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या सोचान है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस पटन के बारे में। और हाँ, अगर भाई ये वीडियो पसंद आई और आपके किसी काम की हो गई ना, तो प्लीज भाई इस वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं।